आम बजट 2009 पेश होने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी लोगों को उम्मीद है कि इस बजट से कई तरह की सौगातें मिलेंगी, तो कई चीजों में हो सकता है कि लोगों को निराश रहना पड़े। आइए हम लोगों से ही जानते हैं कि इस आम बजट से लोगों को क्या उम्मीद है। जैसे आपको पता ही है कि ये जो गवर्नमेंट है इसका टेन्योर पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट, और जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट ही होगा। मेरी उम्मीद सिर्फ इतनी है कि जो इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है उसके कारण जो जॉब्स पे इफेक्ट आने वाला है या इकोनॉमी में इफेक्ट आने वाला पड़ सकते हैं इंडिया की, उससे बेलआउट के लिए कुछ गवर्नमेंट कुछ प्रावधान इस बजट में कम से कम रखे ताकि लोगों को इस स्लोडाउन का असर उनकी ज़िंदगी पे डायरेक्टली ना पड़े। अभी जो आम बजट आया है रेलवे मिनिस्टर ने दिया है वो काफ़ी अच्छा है, और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी जो फाइनेंस मिनिस्टर अपना बजट पेश करेंगे वो भी हम यंगस्टर्स और स्पेशली फॉर स्टूडेंट बहुत अच्छा होगा। और जो बजट आएगा वैसे पिछले 4 साल से जो इस गवर्नमेंट ने जो बजट दिया है हमारे देश के लिए वो बहुत अच्छा रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट जो आएगा ये भी बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। हमें सबसे पहले घरेलू आइटम का भाव कम करना चाहिए। सबसे महिलाओं को गैस सिलेंडर के लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लाइन में खड़े रहते हुए भी ठीक टाइम में गैस सिलेंडर घर में नहीं पहुंच पाता है। रेट कम होना चाहिए, और घरेलू आइटम जैसे तेल घी के भाव न्यूज़ में तो दिखाते हैं कम किए, लेकिन वहाँ पर कभी कम नहीं करते। जब भी लेने जाते हैं तो बोले नहीं भाव कम नहीं हुआ है करके, तो ऐसा क्यों होता है कि कहीं कम होता है और कहीं कम नहीं करते है? तो हम महिलाओं को ये सब कठिनाई का बहुत सामना करना पड़ता है। हम उम्मीद ये रखते हैं कि सामान्य जन जीवन के लोगों की जो जरूरत की चीजें हैं वो सस्ती होनी चाहिए। हाँ, घरेलू चीज़ें हैं, जो सब्जी है अनाज है वो सस्ता होना चाहिए, रोजमर्रा की जो चीज़ें हैं जरूरत की वो सस्ती होनी चाहिए। घरेलू सामान है उसका दाम कम हो जाए थोड़ा सा, उससे हमें थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी, और ये जो रोज जो चीज़ें जरूरत होती है वो सब चीज़ जैसे घरेलू गैस हो, कुकिंग गैस, ये सब का दाम कम हो जाने से थोड़ा सा अच्छा रहेगा। आदमी की बजट से ऊपर ही अभी भी बजट, कह रहे को सेल वेल तो लगी हुई है पर कुछ भी अभी भी सस्ता कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक कहने के लिए। और फूड आइटम्स ये सब का रेंज कम होनी चाहिए इनकी, मेनली फूड की। खाद्य की जो चीज़ें हैं उस पर जो महंगाई, जैसे खाद्य तेल है बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी हुई है, तो वो कम हो जाए। और कुछ किचन का ऐसा चीज़ हमारे लायक जो ठीक हो जिससे हमें राहत मिले, ऐसा कुछ है? हाँ वो तो है ही, कपड़े का भी लगभग बहुत ज़्यादा है अभी जो है वर्तमान में, तो उसमें कुछ राहत मिले। थैंक यू। जो बजट आने वाला है उसके बारे में मेरा ये मानना है कि जैसे कि हम सब ने देखा है कल जो रेलवे बजट आया है सब लोग खुश हैं उससे, खास करके हम छत्तीसगढ़ में जो रहते हैं। नई ट्रेनें दी गई है हम लोग को, और आम बजट से हमें ये उम्मीद है कि काफ़ी जो कमोडिटीज़ है जनरल कमोडिटीज़ जिनके रेट्स अभी काफ़ी हाई हैं, स्पेशली जैसे पेट्रोल LPG का सबका जो रिसेंटली कम किया गया उसमें हम फर्दर एक्सपेक्टेशन करते कुछ कम हो। और हम ये चाहते हैं कि जैसे बाहर की कंट्रीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे सिक्योरिटी बजट इतना हाई रहता है हमारे आम बजट से ज़्यादा रहता है, तो कुछ नेशनल डिफेंस के लिए सिक्योरिटी की भी कुछ पेशकश की जाए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और जी हम लोग बजट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बुक्स की कॉस्ट थोड़ी कम हो, और जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी फाइनेंशियल हेल्प मिले पढ़ाई में, और कंट्री की सिक्योरिटी पे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ज़्यादा एम्यूनिशन के लिए आर्मी फोर्सेस के लिए, पुलिस को उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, ज़्यादा वैल्यू दी जाए उन लोग को। लोगों की उम्मीद पर यह बजट कितना खरा उतरता है इसका पता तो बजट पेश होने के बाद ही चलेगा, लेकिन चुनावी बजट होने से ये बजट लोक लुभावन हो सकता है। कैमरामैन रिजवान के साथ मैं अंकुर जैन, जी 24 घंटे, छत्तीसगढ़।